Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today's video is for class 7th and the chapter number is 6. 6th chapter आज हम continue करने वाले हैं 7th class का. तो 5th chapter हमने छोड़ दिया है, बीच में skip कर दिया है. आज हम 6th chapter से start करते हैं. That is heat and temperature. Heat and temperature का क्या मतलब होता है? इस chapter में हम heat and temperature के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, basically heat का मतलब क्या होता है? गर्माहट. और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कि कितना तापमान है, कितना कोई बॉडी कितनी गर्म है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस वेन टू ऑब्जेक्ट्स, वन वार्मर एंड द अदर कूलर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द वार्मर ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन एंड द कूलर वन बिकम्स अ लिटिल लेस कूलर. देखिए क्या मतलब है इसका. अगर हम एक गर्म चीज़ को और एक ठंडी चीज़ को, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो जो गर्म चीज़ थोड़ी सी ठंडी, वो ठंडी हो जाती है, और जो ठंडी चीज़ होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है. देखिए, जब हम दो, एक गर्म और एक ठंडी बॉडी को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, जो गर्म बॉडी, जो गर्म चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई बॉडी हो गई, जो गर्म है वो ठंडी हो जाएगी और जो ठंडी है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है? After some time, both the objects appears equally warm. थोड़ी देर बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट, एक उनका टेम्परेचर जो है वो दोनों, अगर ठंडे हैं तो दोनों ही एक जैसे ही ठंडे होंगे या एक जैसे ही गर्म होंगे. When such a process occurs, जब ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, we generally say that heat is transferred from warmer object to cooler object. जब ऐसा कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि हीट जो है वो गर्म बॉडी से ठंडी की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है. Now the question is, what is the heat? तो heat है क्या? क्या ऐसा transfer हुआ है गर्म से ठंडी चीज में? What is the measure of hotness and coldness? तो किस तरीके से हम heat या cold को कैसे नाप रहे हैं, किस तरीके से उसे measure कर रहे हैं, किस तरीके से पता लगा रहे हैं? How does it get transferred? कैसे transfer हो रहा है? In this chapter you will learn something about the heat, its effect, modes of transfer and heat and its application. इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. हीट क्या होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे वो ट्रांसफ़र होता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे. तो हमारा इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है. फिर उसके बाद हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, क्या हीट क्या होती है, ये सारी चीज़ें. वी यूजली गेट एन आइडिया ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई टचिंग इट. हमें कोई चीज़ गर्म ठंडी कैसे पता लगता है, जब हम उसको टच करते हैं. बट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स. लेकिन हॉट और कोल्ड के दोनों ही आपस में रिलेटिव हैं. द सेंस ऑफ टच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड टू कंपेयर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए कि मतलब सिर्फ छू के हम ये नहीं बता सकते कि कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे. अ टच मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर कंपेयरिंग हॉट और कोल्ड बॉडीज. सिर्फ छू के हम एक ठंडी और एक गर्म बॉडी को कंपेयर नहीं कर सकते, उनमें अंतर नहीं बता सकते हैं. द क्वान्टिटी बाई विच वी कंपेयर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड टेम्परेचर. जिस क्वान्टिटी की वजह से हम किसी बॉडी को कंपेयर करते हैं कि ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, ये वाली ज़्यादा गर्म है, ये वाली ज़्यादा गर्म है, उसको ही टेम्परेचर बोलते हैं. टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर बताता है कि कोई बॉडी कितनी कितनी डिग्री ठंडी है, कितने डिग्री गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका तापमान क्या है. द नेक्स्ट इज हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखिए हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, एक एनर्जी का ही अलग रूप है. वन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज. जब दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, एक ज़्यादा ठंडी होती है, एक उससे गर्म होती है. अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लोज बिटवीन देम. तो एक एनर्जी फ्लो होती है गर्म से ठंडी में. दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे क्या है, ये एक ज़्यादा गर्म बॉडी है और एक ठंडी बॉडी है, हीट है और ये कोल्ड है, ये वार्म ही कोल्ड. तो फिर क्या होगा, जो हीट है ना इसकी, ये जो गर्म है ना, इसकी गर्माहट यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे गर्म हो जाएंगे, एक जैसे ठंडे हो जाएंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न अ बिट अबाउट हीट इन क्लास 5th क्लास में आपने हीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. इफ़ हीट फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी इट कूल्स द बॉडी. अगर हीट किसी बॉडी से बाहर निकलती है तो वो बॉडी ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी में हीट फ्लो करती है तो वो बॉडी गर्म हो जाती है. The point is to note is that
Left to itself, heat flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature and never the other way round. देखिए इसका मतलब क्या है कि सिंपल मतलब ये है कि जो हीट है ना वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ बढ़ेगी. अगर देखिए ये ज़्यादा गर्म है तो क्या होगा, ये हीट इधर फ्लो करेगी. अगर ये वाली ज़्यादा गर्म है तो हीट इधर फ्लो करेगी. सपोज़ कीजिए ये ठंडी है और ये मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है और ये उससे कम ठंडी है, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ फ्लो करेगी. मतलब ये दोनों इक्वल ठंडे हो जाएंगे. तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है. ऑल्सो इफ़ यू ब्रिंग अ हॉट बॉडी इन कॉन्टैक्ट टू अ कोल्ड वन, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी इन द कोल्ड वन टिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम दो ठंडी बॉडी को आपस में रखेंगे तो ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ से हीट, वहाँ से क्या होगी, कोल्डनेस वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी जो कम है, और दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे. इन अदर वर्ड्स द हॉट बॉडी लूजेज हीट वाइल द कोल्ड बॉडी गेन्स हीट. इसका मतलब क्या है कि जो हॉट बॉडी है वो हीट लूज करती है और जो कोल्ड बॉडी है वो हीट गेन करती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ हीट, कि हीट को नापने के लिए क्या क्या यूनिट होती है हमारे पास. जस्ट एज वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स, हीट एनर्जी एंड एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द मैटर इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स. देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं ना सेंटीमीटर मीटर में, ऐसे ही हीट या फिर किसी भी तरह की कोई एनर्जी होती है तो वो कैलोरीज या जूल्स में क्या होती है, मेजर होती है. आपने देखा होगा कि जैसे डाइट लेते हैं तो हमें इतनी कैलोरीज लेनी है, वो भी इस एक तरह की एनर्जी ही है. इन द SI सिस्टम विच इज नोन एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स. जो स्टैंडर्ड यूनिट है SI जो सिस्टम, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हीट की जो यूनिट है वो क्या है, जूल्स है. द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंट जूल इज जे, और जूल को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं कर रखा है. यहाँ पे आपको यही बता रखा है कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.